नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही हो। एक बार सब लोग हमें बताइए, क्या साउंड वगैरह सारी चीजें प्रॉपर है? साउंड ऑडिबल है? और जो आपके सामने बोर्ड पे जो है वो विजुअल है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि मुझे मैंने चेक किया है, पता लग रहा है कि सारी चीजें प्रॉपर है, तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंजुकेटिव एंगल के बारे में, ठीक है? कंजुकेटिव एंगल के बारे में मैंने देखा था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर क्या अगर ये कोई दो लाइन है, क्या अगर ये कोई दो लाइन है आपकी, है ना, इस तरीके से ये आपकी कोई दो लाइन है, ये एल है और ये एम, ठीक है? हाँ, और ये जो है आपकी, ये तीसरी लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहां से एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर दिया जाए, एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर दिया जाए, एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर दिया जाए और एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर दिया जाए, ये क्या है दोस्त? ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं, ध्यान रखना है इस बात का। ये क्या है? ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या है? ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं। तो एंगल बाइसेक्टर को हम इस चिन्ह के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है? हाँ, ये यहां से आप समझ जाएंगे क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? अब ये जो एंगल बाइसेक्टर आपकी कहाँ इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बात अपने लास्ट क्लास में हो चुकी थी। तो अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दू, इसको सी नाम देता हूँ और इसको डी नाम देता हूँ, तो आपको जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है, ये एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल होगा आपका, ठीक है? हाँ, ये क्या होगा? ये आपका रेक्टेंगल होगा, यानी एक आयत होगा। क्यों आयत ही होगा, ये बात हमने लास्ट क्लास में जानी, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना, यानी यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन की परपेंडिकुलर नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है आपकी, ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन, ठीक है? दूसरी कंडीशन है, अगर आपकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना दोस्त, क्या ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, कैसी हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइन, किसके? इंटरसेक्टिंग लाइन। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर इसको एल, इसको एम और इसको एन नाम देंगे दोस्त, तो अगर ये जो एन लाइन है आपकी, ये परपेंडिकुलर हो जाए किसके? एल के और एम के। अगर ये कंडीशन होगी आपकी, अगर ये कंडीशन आपकी होगी, तो क्या होगा कि अगर ये कंडीशन होगी, तो एक बार यहां पर देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा आपका फिगर। ये जो फिगर होगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं? अगर आपका फिगर इस तरीके से बनेगा, तो क्या होगा कि यहां से जो आप एंगल बाइसेक्टर लेंगे और यहां से जो एंगल बाइसेक्टर लेंगे, यहां पे एंगल आपका कितना बनेगा? 45 बनेगा, और यहां पे भी 45 बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों? कंप्लीट 90 है, और 90 का आधा आधा करोगे, क्यों? एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, आधा आधा करोगे तो 45 45 होगा, है कि नहीं? ऐसे यहां पे, ऐसे यहां पे, क्लियर है? तो यानी यहाँ पे 45, यहाँ 45, अगर ये 45 45 है, तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ 90 होगा, और यहाँ पे भी 45, तो ये चारों ही एंगल आपके कितने होंगे? 90 होंगे। दूसरी बात ये है कि ये वाला एंगल अगर आपका 45 है और ये वाला भी एंगल आपका 45 है, तो देखो एंगल सेम होने की वजह से ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे इधर एंगल सेम होने की वजह से ये जो दोनों साइड है, ये भी आपस में सेम हो जाएंगे, तो चारों ही साइड सेम हो जाएंगी, और चारों साइड सेम होते ही क्या होगा, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो रेक्टेंगल किस कंडीशन में बनेगा, और स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी एक वर्ग किस कंडीशन में बनेगा, ये दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे बता दी। कुछ लोग इस कंडीशन में वर्ग सोच रहे होंगे, तो वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आयत होगा आपका, ठीक है? ये चीज अपनी यहाँ पे हो गई, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे क्या अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बतानी है, वो क्या है? देखो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। पहला मैंने आपको शेप बताया था, एम टाइप के शेप पे हम बात कर रहे थे, किस पे? एम टाइप, एम टाइप, एम टाइप शेप पे बात कर रहे थे। एम टाइप में मैंने कितनी चीजें जानी थी?
इसमें मैंने क्या क्या सीखा था, इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो ये सीखा था, अगर इस तरीके से है, अगर यहाँ पे आपका अल्फा बन रहा है और यहाँ अगर बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे जो आपके एंगल बनेंगे वो अल्फा प्लस बीटा बनेंगे, और इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया, एक एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। अच्छा, अब इस पे दूसरा क्या सीखा था, दूसरा जो था आपका वो इस तरीके से था, यहाँ पे देखो ये दोनों ही लाइन दोस्त कैसी होंगी, ये पैरेलल होंगी, ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन अब की बार ये अंदर की साइड बेंड हो रहा है, लेकिन अब की बार ये अंदर की साइड बेंड नहीं होगा, ये कहाँ होगा, बाहर की साइड होगा, और अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ये वाला बाहर वाला एंगल जो आपका होगा ये अल्फा प्लस बीटा होगा, ये चीज अपनी हो चुकी है, इस पर बेस्ड भी मैंने एक एग्जाम्पल कर लिया था। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो ये था, तीसरा जो था वो आपका ये था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से था, यानी अगर आपका ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल अगर वाई है, और ये वाला एंगल अगर आपका जेड है ना, तो इनमें मैंने क्या रिलेशन आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू आपका कितना 180 डिग्री होगा। अगर भूल जाओ तो इसके लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए एक तरीका बता देता हूं, कि मन में सोच लेना कि यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, अगर ये जेड जेड है तो यहाँ पे भी जेड बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका बाई माइनस जेड हो जाएगा, और ये अगर बाई माइनस जेड हो गया तो ये दोनों ही एंगल आपके कैसे हुए, कंजुकेटिव एंगल हुए, क्रमागत कोण हुए, और क्रमागत कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ, इतने ये तीन टाइम मैंने पढ़ लिए थे, ठीक है। आइए अब आगे की बात करेंगे, हम आगे की बातें क्या है वो देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, कि आप जल्दी से करिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपके किसके आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बोलो, देखिए समझो, जल्दी से करिए, किसी का भी आंसर नहीं आया, बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आइए मैं करवाता हूँ। ये है आपका, ये एक लाइन है टी और पी और क्यू, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लो पी इज पैरेलल टू क्यू, यानी ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है, अगर ये आपकी दोनों ही लाइन दोस्त कैसी है, अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये आपके कैसे एंगल होंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए ये कैसे एंगल आपके, बोलो, बिल्कुल सही है, हाँ ये ऑल्टरनेट है, कैसे हैं ये आपके ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन ऑल्टरनेट में भी कौन से एंगल है, तो ये एक्सटीरियर है, कौन से है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में आपको क्या बताया था, कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट हो चाहे इंटीरियर ऑल्टरनेट हो, वो दोनों ही एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे 2x+26 इक्वल टू होगा 3x-33, इज इट क्लियर, बताइए इतनी सी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो इस 2x को आप इधर ले जाओ, है ना, और इस 3x को 33 को आप इधर ले जाओ, अगर 2x को आप इधर ले जाओगे तो आपका x बचेगा, और 33 को इधर लेके आओ तो 26+33 आप ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा कितना 59, यानी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी 59 निकल के आ जाएगी, यहाँ रखना x यहाँ पर कितना आ जाएगा 59 डिग्री, आपका क्या होगा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ चलिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, आइए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एक बार कुछ चीजें और हैं उनको भी समझ लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं ट्राइंगल के बारे में, किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, यानी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, त्रिभुज के बारे में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस बात को आप विशेष रूप से समझें, ठीक है, क्या है, आइए समझते हैं। ट्राइंगल में पहली जो बात है वो ये है आपकी, कि अगर कोई ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है, हाँ ये ए, ये बी, ये सी, ये आपके तीन एंगल होते हैं, आप इस बात को जानते हैं, तो आप ये बात भी जानते होंगे इन तीनों ही एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, लेकिन वो एंगल कैसे होंगे, इंटीरियर होंगे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे तीन एंगल होंगे,
कितने, तीन एंगल होंगे किसी भी ट्रायंगल में, और ये तीन जो एंगल होते हैं ना, ये आपके तीन एंगल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका इंटीरियर एंगल है ना, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है एक्सटीरियर, क्या होता है एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर को हम क्या कहते हैं, अंत, इसको क्या कहते हैं, अंत कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अंत्य कहेंगे, इसको बाह्य कहेंगे। अंत्य कोणों का जो योग होगा वो आप सब जानते होंगे कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। हाँ, और जो बाह्य कोण होंगे उसका कितना होता है, उसका 360 होता है। क्यों होता है, ये सारी चीजें हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट और आप लिखेगा, क्या नोट पॉइंट आपको लिखना है, ट्राइंगल ही नहीं, ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी पॉलीगॉन हुआ उसके आप एक्सरे एंगल का अगर सम निकालेंगे वो 360 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 360। तो यहाँ पे इस नोट पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, कितना होगा ये, हमेशा ही 360 होगा है ना, इसको स्पेलिंग सही कर देता। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री, इसको हिंदी में बता दूं, किसी भी कोई भी पॉलीगॉन यानी कोई भी बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा ही आपका कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। पहली बात यहां से आप समझ गए कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके तीन ही इंटीरियर एंगल होंगे, तीन ही बाह्य कोण होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात मैं आपको यहां पे बता दूं, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, क्या अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, अगर मैं बात करूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो लाइन आगे बढ़ाई गई है यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये ए प्लस बी होगा, क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ऐसा क्यों होगा, इस बात को भी हम जानेंगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये जो तीसरा जो एंगल था आपका सी, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सबके इक्वल होता है। ये बात कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो यहाँ पे केवल और केवल मानेंगे अभी हमारी बात को, जब ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो तो अभी भी बताऊंगा, बाद में भी बताऊंगा, तो बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो सम होगा वो ए प्लस बी होगा, ठीक है, किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम, कोई भी एक एक्सट्रे एंगल का सम जो इक्वल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी। तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो क्या है, इस बात को समझेंगे आप, देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, ठीक है, इसको डी और इसको नाम दे दिया, ठीक है, ये सी बी सी को इधर डी तक बढ़ाया गया, इस सी बी को इधर ई तक बढ़ाया गया। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इस बात को आप विशेष ध्यान से समझ, ठीक है, समझ गए। अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको अगर मैं नाम दे रहा हूं एक्सटीरियर वन, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्सटीरियर टू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे आप कि जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है एक्सटीरियर, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल कौन से, अपोजिट, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल एंगल होगा ये ए प्लस सी के इक्वल होगा, बताइए, एक्सटीरियर एंगल एंगल वन, ठीक है, ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी ये होगा आपका ए प्लस बी के इक्वल होगा,
बात क्लियर है? नहीं बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक्सट्री एंगल का सम 360 होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए? क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूँ, किसको किसको, एक्सटीरियर वन को और एक्सटीरियर टू को, यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखो एक्सटीरियर वन प्लस एक्सटीरियर टू को अगर जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया आपका ए प्लस सी, यहाँ पे आपका है ए प्लस बी। तो बी को मैं आगे लिख के और ए को पीछे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ए सी बी है ये तो आपका 180 होता है, कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पे ये ए लिखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपका एक्सट्रीम एंगल वन है और एक्सट्रीम एंगल टू है, इन दोनों का जो सम होगा वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो कि 180 होता है, उससे जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल है वो अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को आप यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, है ना। अगर मैं बताऊं आपको इस तरीके से, जैसे अगर मैंने लिखा ये एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, है ना, अगर मैं बोलूं ये आपका एक्सटीरियर एंगल वन है, ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल टू है, और ये वाला एंगल आपका अगर एक्स दे रखा है, ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल वन प्लस एक्सटीरियर एंगल टू इक्वल होगा वो होगा 180 प्लस एक्स, ये कहना चाह रहा हूं। इस बात को समझ गया? तो ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चाहो कभी कभी तो आपको यहाँ पे अल्फा या बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपसे ये क्या पूछेगा, अल्फा बीटा देके आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगा हमेशा, है ना। अल्फा देके आपको एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा देखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। यानी अगर दो एक्सट्री एंगल दे रखे, ध्यान देना, अगर दो एक्सट्री एंगल दे रखे हैं, दो एक्सट्री एंगल दे रखे हैं और एक इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों को ऐड करो और 180 को माइनस कर दो, आपको वो इंटीरियर एंगल मिल जाए। इतनी सी बात क्लियर है? आइए आगे की तरफ हम चलते हैं, आपको बताते हैं आगे क्या करना, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसका रिप्लाई आपसे आना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या होगा अगर मैं बोलूंगा आपसे, ये है आपका 120 डिग्री और ये है आपका 190, ठीक, कितना 190 डिग्री, 190 मत मानो उसको, इसको हम मान लेते हैं 110, इतना मान लेते हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं इस एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत जल्दी से बताएंगे आप हमें, बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको दो एक्सट्री एंगल देगी, आपसे एक इंटीरियर एंगल पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करके, किसको, 120 प्लस 110 को ऐड करके माइनस करना होगा 180। कितना माइनस करना होगा, 180 माइनस करना होगा। अब बताओ अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 120 और 110 कितना हो जाएगा आपका, 230 हो जाएगा, 230 में से 180 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 50 डिग्री मिल गई, यही क्या होगा आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला पॉइंट आपको क्या बताना है, इसी में देखना ध्यान से, अगर ये ट्राइंगल है, चलो आगे बताते हैं, है ना। अगर मैं कहूंगा आपसे ये एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, हाँ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये है आपका एक्स, ठीक है, ये एक्स पता करना होगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं इस वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और एक इसको एक्सटेंड किया और यहां से इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस लाइन के कैसे है पैरेलल, कैसे है पैरेलल। तो आप हमें बताएंगे अगर यहां बीटा बन रहा है तो दोस्त यहाँ भी बीटा बनेगा, नहीं बनेगा, बताइए, बिल्कुल बनेगा, क्यों बनेगा, आप सबसे आंसर की उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए क्या बनेंगे, ये बीटा बनेगा, ठीक
ठीक है। तो अगर ये बीटा है तो क्या अपने इस एक्स की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, एक्स की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी जो एक्स होगा वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें एक्स की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है, आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। आइए चलते हैं। एन पे बेस्ड आपका एक टाइप और है, उसको आप समझेंगे। ठीक है, हाँ जाओ। देखो एन पे बेस्ड आपका एक टाइप और है, वो टाइप कौन सा है आइए समझते हैं। अगर मैं बात करूं, ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। हाँ, ये इस पॉइंट पे क्या करना है, ये इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को पार निकल जा रही है। अगर पार निकल जा रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और ये वाला एंगल आपका है गामा। क्या है? गामा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? आपसे मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप बताएं। अब ध्यान से देखेंगे हमारी बात को कि अगर ये गामा है तो बताओ ये भी गामा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा आपसे रिप्लाई चाहिए हमें? क्योंकि सर ये और ये मल्टीपली अपोजिट एंगल है, इसलिए अगर ये गामा है तो आपका ये भी गामा होगा। ठीक है, अगर ये भी गामा होगा तो आप हमें बताओ, देखो ये गामा की वजह से ये गामा हो गया। अब इसको मैं यहां से इरेज कर दूंगा, अब आप हमें बताओ अगर ये अंदर वाला गामा हो गया, क्या अंदर वाला अगर गामा हो गया आपका, तो आप हमें बताएंगे कि अगर मैं बाहर वाले की बात करूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा? बताए ये अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा? कहां से? यहां से। यहां से ये अल्फा प्लस बीटा होगा, आपका यहां से बिल्कुल होगा। तो अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा और ये गामा, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, नहीं बन गया? कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, आपका यहां से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर सर्कल कंप्लीट हो गया तो सर्कल कितने का होता है आपका? 360 का होता है। कितने का? 360 का। तो ये जो एंगल का सम होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम होगा, वो आपका 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये आपको विशेष ध्यान, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये जो नजदीक वाले एंगल है ना, ये एक्स और यहाँ पे वाई, तो एक्स और वाई को ऐड करना है और जेड को माइनस करना है और 180 इक्वल कर देना। तो यही काम हमें यहाँ पे करना। आ जाओ यहाँ पे करते हैं किस तरीके से, आओ देखते हैं यहाँ पे, देखो है ना। अब यहाँ पे इसको इसको ऐड करना, इसको माइनस करना, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से एक्स माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। कितना? 9x बचेगा, और यही किसके? 180 के इक्वल करते हैं। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, कितने बार? 20 बार। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 20 डिग्री आ जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए, इतनी सी बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और आपसे मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करो जल्दी से, क्या होगा बोलिए, जल्दी से बताओ क्या होगा। बताइए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है ये है, अब इसमें 4 और 5 को ऐड करना है, 3 को माइनस करना है, खत्म मामला, है ना। तो 5 और 4 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 हो गया, यानी 6x जो है आपका ये किसके? ये 180 के इक्वल।
ना, 6 से कैंसिल आउट करोगे, कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 बार कैंसिल आउट होगा, यानी जो एक्स की वैल्यू है दोस्त वो कितनी आ गई आपकी, 30 आ गई। लेकिन आपसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा, एक्स का संपूरक कोण पूछा है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा आपसे, है कि नहीं। तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, कुछ करना ही नहीं है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए इसको 180 में से माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 150 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। चलिए इस क्वेश्चन को और देखिए जल्दी से, फटाफट आंसर करिए क्या होगा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, जल्दी से करिए। हो गया क्या, आइए समझते कैसे। देखो मैंने अभी अभी बताया कि अगर ये 35 है, 110 में ये ऐड करना है, ये माइनस करना, नजदीक वालों को, इनको नजदीक वालों को ऐड करना है, इसको माइनस कर देना, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ 110 में ये ऐड करना, तो 110 और देखो 15, 110 पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकली 110 और 15 125, 125 में से 35 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 90, कितना बचेगा 90, और ये 2x का होगा बताओ, प्लस का होगा है ना, तो 2x आपका 2x प्लस 90 किसको, किसके इक्वल करना आपको, इसको 180 के इक्वल करना है, 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू आपका 90 बचेगा, यानी x की वैल्यू जो होगी आपकी 45 आ जाएगी, कितनी 45 आ जाएगी, बस ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करो और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, बहुत जल्दी बताइए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अभी भी तो आपको बताया था, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखा है आपको 110, और ये वाला दे रखा है, और थोड़ी देर पहले बताया था आपसे हमेशा ही यही पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, इनको ऐड करना था और 180 को माइनस करना था, अभी भी बताया, तो 130 में 110 ऐड करो तो ये हो गया आपका 240, और 240 में से अगर 180 माइनस करोगे तो आपका 60 बचेगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को एकदम देख के ठीक कर लें। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभी अभी तो मैंने आपको कराया, अगर ये दोनों ही लाइन आपकी कैसी है, पैरेलल है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ए बी और सी डी दोनों ही लाइनें आपकी पैरेलल है, अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल है और ये वाला एंगल अगर गामा है, ये अल्फा बीटा है, तो इसका आंसर अभी अभी तो मैंने कराया है, इतना होगा 360 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो, हाँ इसको नहीं इसको करो, इसको करिए जल्दी से, बिल्कुल आसान सा है, देखो ये 40 है, अगर ये 40 है दोस्त तो आप हमें बताओ क्या ये भी 40 होगा, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, अगर ये 50 है तो क्या ये भी 50 होगा, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, तो देखो ये एम नहीं बन गया, देखो क्या ये एम नहीं बन गया, आप कहेंगे हाँ सर बन गया, तो ये कितना होता, ये एक का योग होता, तो 50 और 40 को ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बिल्कुल ही आसान सा, अब देखो अगर ये 6 थीटा, ये 2 थीटा, अगर ये 2 थीटा तो ये 2 थीटा हो, है ना, तो 6 और 2 8, ये देखो फिर अगेन एम बन गया, तो 6 और 2 8, तो 8 थीटा, कितने 8 थीटा इसको तो आपका 120 दे रखा है, 8 से कैंसिल आउट कर दोगे, कितने बार 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक ही ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
एक्स प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 24 है, ये 152 है तो ये 28 होगा, ये 118 है तो ये 62 होगा, यहाँ पे भी एम बन रहा है, यहाँ पे भी एम बन रहा है, तो एक्स जो होगा वो 24 + 28 होगा, ऐसे ही वाई जो होगा वो 36 + 62 होगा, तो इनको अगर ऐड कर लेंगे तो ये 60 90, ये मिला के 150 आ गया, 150 आ गया, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इस टाइप को समझते हैं थोड़ा सा, आ जाए। अगर मैंने कहा आपसे ये एक लाइन ले ली स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरीके से ले ली, इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, आपने यहाँ से बिल्कुल बन रहा, इसको मैंने मान लिया एक्स, कितना मान लिया एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने अल्फा मान लिया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बीटा मान लिया, और ये दोनों ही लाइनें जो है आपकी ये कैसे हैं, ये दोनों ही लाइनें आपकी पैरेलल हैं, समांतर, ठीक है। आइए अब यहां पे समझेंगे आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने इसको, अगर मैंने इस लाइन को इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये इन दोनों लाइन के लिए किसका काम करेगी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए, किसका काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी तो अगर ये वाला एंगल बीटा है तो क्या ये भी बीटा होगा या नहीं होगा, आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों होगा, बोलिए जल्दी बताइए क्यों होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जल्दी, मैं देख रहा हूँ, बोलो, बिल्कुल सही है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, अगर ये बीटा होगा तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक एक्सट्रा एंगल बताया था ट्रायंगल का, ठीक है। इस तरीके से अगर ट्रायंगल है तो अगर ये आपका अल्फा है तो ये जो अल्फा है ये इसका और इसका योग होगा, है कि नहीं, तो अगर ये बीटा है आपका तो ये एंगल क्या होगा, ये एक्स है, तो ये जो अल्फा है आपका दोस्त ये आपका बीटा प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा, आपका यहां सर होगा, तो आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो बीटा इस साइड आ जाएगा, तो एक्स जो होगा वो आपका अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात, ठीक है। और ये वाला एंगल हमेशा ही कैसा होगा, आपका बड़ा होगा, और ये वाला एंगल हमेशा ही आपका कैसा होगा, छोटा होगा, यानी जिधर ये झुका होगा, जिधर ये मुड़ा होगा, उस साइड का एंगल बड़ा होगा और दूसरी साइड का एंगल आपका छोटा होगा, तो बड़े में से हम छोटा घटा देंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आइए तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, देखिए बिल्कुल ही आसान, यहाँ पे आपका 120 है और यहाँ 135 है, तो इनका केवल हमें डिफरेंस लेना है, कि नहीं, QOS पूछा, QOS पूछा है, तो आपको केवल और केवल डिफरेंस लेना, 135 में से 120 घटाएंगे तो 15 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए यहां पे आप एक नई चीज सीखिए, वो नई चीज क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये एक चतुर्भुज बना लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे बोलूं कि ये वाला एंगल आपका एक्स है, ये वाला एंगल आपका वाई है, ये वाला एंगल आपका जेड है, ये वाला एंगल क्या होगा, आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों ही आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं यहां से, अगर ये एक्स वाई ये जेड ये कुछ भी होगा, सपोज दैट इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं वी, इसको नाम दे रहा हूं सी, इसको नाम दे रहा हूं डी, तो ध्यान रखना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आपका होगा ये 360 डिग्री होगा, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसमें से आपको तीन एंगल दिखाना है, कौन कौन से, ए बी डी के बना, ए कितना है आपका, ए जो है आपका वो कितना है दोस्त, आपका ए है एक्स, ये एक्स है, वी जो है आपका वो वाई है, और डी जो है आपका जेड, आपसे सी पूछा जा रहा है, सी क्या होगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो सी एंगल होगा आपका ये सब ऐड करके माइनस कर दो, तो ये 360 डिग्री,
माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए, है कि नहीं? इन सबको जोड़ के माइनस कर देंगे, बस हमें सी मिल जाएगा। देखो तो अब आपको सी कौन सा मिला, ये इंटीरियर एंगल मिला, कौन सा इंटीरियर एंगल मिला, ठीक है? ये इंटीरियर एंगल मिला है, यानी ये वाला एंगल मिला आपको कितना, 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इस कंप्लीट एंगल की, कंप्लीट कितने का होता है, आप कहेंगे सर 360 का होता है, कंप्लीट कितने का होता है, 360 का होता है। तो अगर हम बाहर वाले एंगल की बात करें इसकी, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कंप्लीट 360 होता है, और ये वाला एंगल अगर हमें पता है तो हम 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें बाहर वाला पता लग जाएगा, ठीक है नहीं? तो अब बाहर वाला एंगल निकालने के लिए आपको क्या, 360 में से माइनस करना है अंदर वाला, अंदर वाला कितना आपका ये है, तो 360। अब देखो माइनस आ गया ना, इसलिए थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, है ना? अब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब ये आपका कौन सा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, और किसका, सी का, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे 360 माइनस, ये देखो 360, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है? इतनी सी बात। देखो 360 से 360 खत्म हो जाएगा आपका, ये बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है इतनी सी बात? तो यानी जो एक्सट्री एंगल ऑफ सी है वो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया, यानी ये वाला जो एंगल है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उस बात को आप विशेष ध्यान से समझें। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर लिखा है, क्या एक क्वाड्रिलेटर बना है, ठीक है? अगर आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर बना है, ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटर के अगर मैं बोलूं ये एंगल आपका ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ना, बाहर की साइड, ये एंगल आपका ए प्लस बी प्लस सी होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल के तीन इंटीरियर एंगल दे रखे और चौथा जो एंगल है आपका उसका एक्स्ट्रा एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। आइए इसी पर बेस्ड एक आपसे एग्जाम्पल जानना चाहूंगा, उसका आंसर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप कर लेंगे, ठीक है? ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं आपसे बोलूं ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 100 डिग्री है, और ये आपका 120 डिग्री, बताइए कितना होगा? बोलिए। अब देखो 120 और 70, अब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये वाला। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर चौथा एंगल अननोन है और उसका भी एक्सरे पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लेना। क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, तो ये 290 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 290 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? हाँ, तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है, आइए कहाँ पे मतलब है सर, दिखाइए, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब देखो इस तरीके से, देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी, ये भी क्वाड्रिलेटर है आपका, यहाँ सर बिल्कुल क्वाड्रिलेटर है। अगर ये क्वाड्रिलेटर है, अगर ये क्वाड्रिलेटर है तो ये ए है, ये सी है, ये एक्स है, ये बी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो तीनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो बी है ये आपका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो जो बी होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो बात, इसके अलावा जो तीन इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा, ए सी एक्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए सॉरी इनके सम के इक्वल होगा, ए सी प्लस एक्स। अब से एक्स की वैल्यू पूछिए, तो ये जो दोनों है इनको आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका बी माइनस ए माइनस सी, बताइए इतनी सी बात क्लियर है? बोलिए क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल ही आसान सा, जल्दी बोलिए। बोलिए बिल्कुल आसान है, किस तरीके से करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ सॉरी अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो देखो अगर मैं बात करूँ ये कंप्लीट एंगल की, अगर बात करूँ तो ये टू अल्फा होगा,
ऐसे यहां कंप्लीट एंगल की बात करूंगा तो 2 बीटा होगा। ये यहां पे आपका 110 दे रखा। अब ये जो 110 है, ये जो आपका 110 है, ये किस इक्वल होगा? ये 110 आपका इक्वल होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस इस 40 के इक्वल होगा। बताए, यही तो मैंने आपको अभी बताया है। अभी आप इसको भूल जाओ, ये अंदर वाला जो ट्राइंगल है इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे 2 अल्फा, ये 2 बीटा, ये 40। तो ये जो एक्सट्री एंगल है, ये 3 इंट्री एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर होगा तो इसको इक्वल कर देखो, ये हो गया आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 40 है। 40 को आप इधर भेजोगे तो 140 में, 110 में से अगर 40 माइनस करोगे तो आपका 70 बचेगा, है ना। 72 अल्फा, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा आपको, है ना। 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 35 बार, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई? 35 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 35 आई। लेकिन आपसे अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछ रहा, आपसे थीटा पूछ रहा। क्या पूछ रहा? थीटा पूछ रहा। तो अब थीटा बताइए क्या होगा। अब देखो, ये और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे 35 आपको पता लग गई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 110 डिग्री है ये इक्वल होगा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा? बताइए, क्या इतनी सी बात क्लियर है आपका? यहां से बिल्कुल बात क्लियर है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो देखो, अब ये अल्फा प्लस बीटा 35 है तो इसको हम कहाँ भेज देंगे? इसको इस साइड भेज देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 35। ठीक है, तो 110 में से हमें कितना? 35 माइनस करना, तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। बताइए, इतनी सी बात क्लियर है? बोलिए, है ना। तो आपका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। बोलिए, बोलो क्या? 110 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो देखो, 110 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं, है ना, अगर 110 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। 80 में से 5 और माइनस करना होगा तो 75 बचेगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी को अपन इसी पे बेस्ड है। बताइए, देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है ए सी बी प्लस बी ए सी 80 है, यानी ए सी बी, ए सी बी यानी ये वाला एंगल प्लस बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला एंगल का सम कितना है? 80। अगर इसका सम 80 है तो मैं कह सकता हूं इसका ये 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है और इन्होंने बोल रखा है बी डी ई, बी डी ई ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना? 35 डिग्री। ठीक है भैया, अच्छा, और दे रखा है बी सी, बी सी यानी ये वाला एंगल भी दे रखा है कितना? 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है ये ई, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल था। देखो इसको इसको ऐड करना था तो ये 80 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 160 हो जाएगा। यानी इनको ऐड करना था किसको? 80 प्लस 45 प्लस 35, समझ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा आपका? 160। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 50 है, ये 130 है। अब एक बात बताओ, अगर ये 130 है तो दोस्त ये भी तो 130 होगा। क्यों होगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। बोलिए, 130 इसलिए होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? अगर ये 130 होगा, आपको पता है ये 50, ये ए और ये बी, इनका सम भी कितना होना चाहिए? 130 होना चाहिए। ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इसके इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये इसके इक्वल होगा तो इस 50 को हम इधर माइनस कर देंगे तो 130 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 80 तो बचेगा, तो 80 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, थीटा आपसे पूछा। देखिए बिल्कुल आसान है, ये आपका 138 दे रखा है। अब ये वाला एंगल निकाल लो आप, कितना हो जाएगा? तो देखो कंप्लीट जो होता है आपका 360 होता है, 360 में से आपको कितना? 236 माइनस करना है। कितना? 236 माइनस करना है। तो आपका आंसर हमें चाहिए, जल्दी बताओ क्या होगा। बोलिए, 360 में से आपको 36 माइनस करना है, जल्दी से बोलिए। ये क्वेश्चन आपका एच डब्ल्यू है, ये क्वेश्चन आपका एच डब्ल्यू रहेगा। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पीछे। ठीक है, हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये एंगल ए है, ये एंगल 2B है, ये एंगल बी है, ये 2A है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या? एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू पूछी। तो ध्यान से देखेंगे आप हमारी बात को, ये अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है दोस्त, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट
और ये कंप्लीट। इन एंगल को हम क्या कहेंगे, आप जल्दी बताएं, बोलिए। आप सब जानते हैं इसको हम कंजुगेटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेटिव एंगल कहते हैं, क्रमागत कोण कहते हैं। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इन कंजुगेटिव एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो वहां पे है आपका 2b, इनका ए ओ, तो देखो यहाँ पर 2b है और यहाँ एक b है, तो ये 3b हो जाएगा, क्योंकि हमें सब ऐड करना है। ऐसे यहाँ ए है, यहाँ 2a है, तो देखो 2b और b ऐड करेगा तो ये 3b हो जाएगा। ऐसे ही 2a और a को ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। 3a+3b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ, 180। तीन कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना, ये 60 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 60 डिग्री होगी। कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। लेकिन आपसे ए प्लस बी नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये वाला, अगर एंगल हमें मिल जाए तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, आपका एंगल आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के की चारों एंट्री एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, 360 अंश होता है। तो देखो अगर ये एक्स है ना, और यहाँ पे ये 90 बना रहा, तो अगर ये 90 90 तो 180 तो यही हो गया। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, देखो ये वाला, अब ये एंगल कैसे पता लगा, ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। तो हमें अभी ए प्लस बी की वैल्यू पता लग गई, लेकिन ये है 2b और ये है 2a, तो अगर हम इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दें दोस्त, दो का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमें इन दोनों एंगल का सम पता नहीं लग जाएगा? कौन से? ये वाला, ये वाला, ये पूरा एंगल और ये पूरे एंगल का हमें सम पता लग जाएगा, जो कितना होगा, 120 होगा। और आप इस बात को जानते हो किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये दोनों एंगल का सम 120 हो गया, तो क्या ये वाला एंगल आपका 60 होगा कि नहीं होगा, बताइए। आपका एंगल, हाँ सर, बिल्कुल 60 होगा। अगर ये 60 होगा, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इन दोनों का कितना, 180 होना चाहिए, तो ये एक्स कितना, 120 होना चाहिए। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, ये 45 है, तो क्या ये भी 45 होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये भी 45 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, जल्दी से बताइए। बताइए ये 45 होगा, ये 45 क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है कि नहीं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो आप हमें बताओ। और ये इसके लिए, अब देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए, किसके, इसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये आपका एक्स एंगल हो गया, आपका यहाँ सर बिल्कुल एक्स एंगल हो गया। अगर ये एक्स एंगल हो गया, तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 105 में से ये 45 माइनस करोगे, 105 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कह रहा है ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और एल और एम दोनों पैरेलल है। अगर देखो ध्यान से, अगर ये एल और एम, अगर ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 110 है, तो क्या ये भी 110 होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हाँ, अगर ये 110 हो गया, ध्यान से देखिए, अगर ये 110 हो गया और ये कंप्लीट कितना होता है, 180 होता है। अगर ये कंप्लीट 180 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। ए की कितनी आ गई, 70। अब देखो आप ऑप्शन से इसको खत्म कर सकते थे, ए केवल सी ऑप्शन में 70 है, लेकिन हम सीखने आए, यहाँ पे हम खत्म करने नहीं आए, तो हम सीखेंगे। अब देखो ए अगर 70 हो गया, तो अब इस वाले एंगल के लिए, देखो इसको मैं अलग बना देता हूँ इस तरीके से, ये आपका 70 है, ये आपका 40 है, और ये एंगल है आपका बी, तो ये एक्सट्री एंगल नहीं हो गया, ये बाह्य कोण नहीं होगा ट्रायंगल के लिए, आपका एंगल, हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो 70 40 कितना होता है आपका, 110 डिग्री होता, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपकी 70 और बी की वैल्यू 110 डिग्री हो गई, यही आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ, बाकी आगे की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो ए बी और सी डी, ए बी, ए बी, ए बी कहाँ है,
हाँ ए बी, ये ए बी और सी डी, ये लाइन आपकी पैरेलल है। ए सी और बी डी, ए सी कहाँ है, ए सी और बी डी, यानी ये लाइन और ये वाली लाइन आपकी आपस में पैरेलल, ठीक है। हाँ ये वाली लाइन, ठीक है, हाँ ध्यान देंगे। अब बोला इन्होंने यदि ई ए सी, ई ए सी, ई कहाँ है यहाँ पे, ई ई ए, ई ए सी, यानी ये वाला जो एंगल है आपका ये 40 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। हाँ एफ डी जी, एफ डी जी, एफ डी जी का देखो, एफ डी जी यानी ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला आपका 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा एच ए बी, एच ए बी, एच ए बी, यानी इस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अगर ये 40 है और ये 55 है, तो अब देखो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये 55 है तो आपका ये भी 55 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं। तो अब देखो ये 40 था, ये 55 होगा, तो क्या ये आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकल जाएगा, क्यों, अरे भाई अगर ये आपका इस तरीके से है ना, इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से, ये वाला आपका कितना 40 दे रखा है, ये वाला आपका 55 दे रखा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताइए, ये 180 में से इसको इसको ऐड करके माइनस कर देंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका 85 डिग्री हो जाएगा, कितना, 85 ही तो बचेगा, हाँ तो 85 यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी उत्साह और उमंग के साथ, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू। ब्रह्मास्त्र इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाएगा। अब घर बैठे करें एसएससी, यूपीएससी, जुडिशरी और अन्य एग्जाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम में। अभी डाउनलोड करें इंडिया का नंबर वन डीएसएल इंग्लिश ऐप, इंग्लिश सीखने का एकमात्र ऐप डीएसएल इंग्लिश ऐप। ज्वाइन करें हमारा डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम पेज, यहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट्स, क्लास नोट्स, पोल एटसेट्रा। फॉलो करें हमें डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर, यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा।